तो बेटा हम जो है जो भी लेक्चर हम यहाँ देंगे लाइव क्लास ध्यान से सुनना है। मैं क्लास में आपसे सुनूंगी भी, क्वेश्चंस हम करेंगे, डिस्कस करेंगे, एनी डाउट्स यू हैव यू कैन आस्क मी इक्वली। और ये सारे का सारा लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है की एजुकॉन, राइट? सब अपनी कॉपी पे लिख लें। हमारे चैनल का नाम है कैडुकॉन, यूट्यूब पे चैनल है कैडुकॉन ई लर्निंग। दिस इज अवर चैनल नेम एंड वहां पे बहुत सारे लेक्चर्स होंगे, बट आपने क्या करना है, जो आपका लेक्चर हो वो जरूर शाम को एक बार जाके दोबारा से सुनना। इज इट ओके? राइट? तो ये सब हमने बहुत ज्यादा क्लास में नहीं लिखना, लिख लिया जितना लिखना था, क्वेश्चंस हम करेंगे समझेंगे, ठीक है जी? तो आर वी लिविंग, यस और नो? Yes. वी आर लिविंग बिकॉज इन अवर सेल्स देयर आर मेनी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस गोइंग ऑन, यस और नो? यस, मेनी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। मेटाबॉलिज्म इज ऑफ टू टाइप्स। कैन एनीबॉडी टेल मी द टू टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म? 10th B, रोल नंबर 5, स्टैंड अप। रोल नंबर 5, 10th B। यस बेटा, इधर माइक के पास आ जाओ भाग कर। ये देखो ये टेबल के पास इधर पड़ा है, भाग कर आना है फटाफट से। बी एक्टिव। सो टेल मी बेटा, व्हाट आर द टू टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म? यस और नो? डू यू नो और नॉट? नो। बैठो, सीट पे बैठो। एनीबडी हु नोज फ्रॉम 10th A, 10th B, एनीबडी? द टू टाइप ऑफ मेटाबोलिज्म इट इज, हैव यू एवर हर्ड अबाउट एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म? नो। ओके, बस आज सुन लिया और इसके बाद हिप्पोकैम्पस की हेल्प से हमने इसको जिंदगी भर याद रखना है। मेटाबॉलिज्म आर वेरियस रिएक्शंस इन अवर बॉडी एंड देयर आर टू टाइप ऑफ रिएक्शंस व्हिच मेक समथिंग, राइट? ए प्लस बी इज सी एंड डी इज ब्रेकिंग इनटू एक्स प्लस वाई। दीज आर टू टाइप ऑफ रिएक्शंस। These are forming reactions. These are, yes, breakdown reactions. So anabolism, this is anabolism and this is catabolism. Cata means breakdown, ana means formation. Yes or no? So anabolism is 10th B. Forming reaction, making reaction. And 10th A, what is catabolism? Breakdown reactions. That's very good. So now tell me, mind में लिखना है, अपने mind में revise मैं करवाऊंगी, बहुत ज्यादा copies में नहीं, but remember that everything is recorded, तो आप वो देख भी सकते हो, but active रहना है यहाँ पे। So we have various type of metabolic processes such as, yes, पहले पहले बताएंगे, 10th A, tell me one metabolic process, कोई सी जल्दी से, 10th A, डाइजेस्टिव सिस्टम, या हम कह सकते हैं डाइजेशन। 10th B, another process, दोबारा से, रेस्पिरेशन, इंजेशन, हम कहेंगे वन इज, अनदर इज फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, नॉट इन अस आल्सो, इन प्लांट्स हम बात कर रहे हैं। देन यू हैव डन सेल रेस्पिरेशन, देन यू हैव डन
फॉर्मेशन ऑफ यूरिया. ब्रेकडाउन ऑफ अमीनो एसिड्स इंटू व्हाट इज दिस? दिस इज अमोनिया. नॉट टेल मी. यस, अब आ जाइए रोल नंबर 7 ऑफ बोथ क्लासेस नियर द माइक. 7 and 8 माइक के पास आ जाओ दोनों क्लासेस के. जल्दी से 7 रोल नंबर 8 रोल नंबर. जल्दी से भाग कर माइक के पास आओ. यस 10th A ऑल्सो 7th and 8th रोल नंबर. यस नहीं 7 and 8 रोल नंबर. हां जी 10A डाइजेशन. आपने मुझे बताना है कि ये एनाबोलिज्म है कि कैटाबोलिज्म है. इन दोनों में से बताना है. 10A रोल नंबर 7. यस टेल मी डाइजेशन इज कैटाबोलिज्म. बैठो. वेरी गुड. 10B रोल नंबर 7 फोटोसिंथेसिस. एनाबोलिज्म. वेरी गुड. बैठो. 10A रोल नंबर 8 सेल रेस्पिरेशन. एनाबोलिज्म है. सेल रेस्पिरेशन में क्या होता है बेटा? रेस्पिरेशन ऑफ गैसेस. वो होता है बेटा ब्रीदिंग. दैट इज ब्रीदिंग. सेल के अंदर क्या हो रहा है? ब्रेकडाउन हो रहा है. किसका? ग्लूकोज का इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. सो टेल मी व्हाट इज सेल रेस्पिरेशन? एनाबोलिज्म की कैटाबोलिज्म. कैटाबोलिज्म. वेरी गुड. बैठो. यस 10B रोल नंबर 8 फॉर्मेशन ऑफ यूरिया. एनाबोलिज्म. एनाबोलिज्म बिल्कुल यहां से नाम से पता चल रहा है. बैठो बेटा. और यहां पर आपको अगेन फ्रॉम द नेम ओनली इट इज कैटाबोलिज्म. सो टेल मी एवरीबडी इज कैटाबोलिज्म एंड एनाबोलिज्म क्लियर? 10A इज इट क्लियर? दैट्स गुड. सो फर्स्ट वी विल कम टू डाइजेशन पार्ट. एक मिनट. सो वी कम टू डाइजेशन पार्ट. सो डाइजेस्टिव सिस्टम. व्हाट इज डाइजेशन? Difference in digestion and respiration, cell respiration. Is anybody clear? कोई 10A में से? मैम देखो जिसको जिस बच्चे को ये आता है उस बच्चे को माइक के पास भेजो. Difference in digestion and cell respiration. Both classes, ज्योति मैम please see. जिस बच्चे को ये डिफरेंस पता है उसको माइक के पास लेके आओ. यस जल्दी से बेटा जल्दी से. मैम ने बताया हुआ है आपको. आई नो दैट. जल्दी से याद करो. ऑल्दो बहुत पहले आपने ये चैप्टर किया बट दीज आर बेसिक. वेरी गुड. आ जाओ माइक के सामने. पहले अपना नाम बताओ बेटा. 10th A अश्मीत कौर. अश्मीत कौर. जैस्मीन कौर. जैस्मीन. JASMIN राइट. चलिए पहले माइक के पास चलो बेटा. मुझे मत देखो. वो माइक है ना ग्रीन टेबल पे. माइक के ऊपर बोलो. मुझे मत देखो. टेल मी डिफरेंस बिटवीन डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन. डाइजेशन इज ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स इनटू सिंपल पार्टिकल्स एंड रेस्पिरेशन इज ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. बेटा मुझे एक चीज जो है आप दोबारा से कि मुझे एक चीज और बताना कि आई एम राइटिंग सम फूड आइटम्स
Tell me, which of these is complex food or simple food? Glucose is simple or complex? Complex. You are telling me, है ना? मैं नहीं ये बता रही हूँ, आप मुझे बता रहे हो कि ये ग्लूकोस इज कॉम्प्लेक्स फूड. ओके, मे बी राइट मे बी रॉन्ग, अभी नहीं मैं बता रही हूँ. स्टार्च क्या है बेटा? कॉम्प्लेक्स. दिस इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स. प्रोटीन्स कॉम्प्लेक्स. चलो बेटा आप बैठो, हम किसी और से पूछते हैं. ठीक है, somebody else. आपने डेफिनेशन बिल्कुल ठीक बताई, वेरी गुड. टेंथ बी, रोल नंबर 20, कम फॉरवर्ड. आजा बेटा माइक के सामने आजा. अमीनो एसिड्स कॉम्प्लेक्स फूड की सिंपल फूड? स्पीक लाउडर. सिंपल. सिंपल. एंड व्हाट अबाउट फैटी एसिड्स? सिंपल. किसी बेटा दूसरे को, किसी और को नहीं हमने देख के बोलना, ठीक या गलत मुझे नहीं पता. इसमें से जो ये बाकी के तीन है जो मुझे टेंथ ए ने बताए, इज इट द राइट और नॉट? इसमें कोई गलत है कि तीनों ठीक है? स्टार्च क्या है? सिंपल फूड है. यू आर टेलिंग मी, आपने मुझे कहा है कि ये सिंपल फूड है, ये कॉम्प्लेक्स फूड नहीं है. बोथ अदर्स आर राइट, ग्लूकोस एंड प्रोटीन्स, इट्स करेक्ट. ओके ओके, बैठो बैठो, वेरी गुड. क्या नाम है बेटा आपका, जरा माइक पे एक नाम भी बताओ मुझे. मनमीत. नवनीत. मनमीत. स्पेलिंग बोलो. MANMEET. मनमीत. ओके मनमीत, बैठो बेटा, वेरी गुड. अब मुझे, अब जो है रोल नंबर 15, रोल नंबर 15 ऑफ बोथ क्लासेस, कम नियर माइक. टेंथ बी बेटा, ओरल कैविटी में सलाइवा है, इज इट राइट? Yes. Saliva में which enzyme is present in saliva, beta? Tenth B. Salivary amylase. Okay. बिल्कुल ठीक है. Very good. Okay. Tenth A, beta. क्या नाम है बच्चे आपके? Tenth A. हरमनदीप. दोबारा से? हरमनदीप. हरमनदीप. ठीक है. चलिए हरमन आप मुझे ये बताइए, टेंथ बी बेटा आप बैठो, बिल्कुल ठीक आपने बताया. हरमन आप मुझे ये बताइए बेटा, सलाइवरी अमाइलेज डाइजेस्ट व्हाट? इट एक्ट्स ऑन विच फूड आउट ऑफ दीज? मैंने ये पांच फूड्स भी आपको बता दिए. आउट ऑफ दीज फाइव सलाइवरी अमाइलेज विच फूड? स्टार्च में. स्टार्च, वेरी गुड. इट एक्ट्स ऑन स्टार्च. So, and it forms what? Glucose. मतलब ultimately starch forms glucose. Now, what is digestion? Breakdown of कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर फूड. यहाँ पे किस चीज का ब्रेकडाउन हो रहा है? किसमें बन, क्या बन रहा है? तो कॉम्प्लेक्स फूड क्या हुआ? स्टार्च. और सिंपल फूड क्या हुआ? तो फिर ये गलत हो गया. सो ग्लूकोस इज सिंपल. एवरीबडी एवरीबडी जोर से, सुस्त नहीं होके बैठना. आप सबने
ये सोचना है कि मेरी आवाज मैडम तक पहुंचे. Everybody has to try that. So, glucose is simple. And starch is starch is breaking down into glucose. It means starch is formed of what? Complex. No, it is a complex food. That's right. Complex food होता है जो बहुत बड़ा होता है, जो छोटे 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 यूनिट से बना होता है. आप ये सोच लो कि सिंपल फूड इज लाइक ए बीड, एक मोती की तरह से है, और कॉम्प्लेक्स फूड एक चेन की तरह से है. चेन बहुत सारे मोतियों की बनी है, और जब हम धागे को काट दें तो वो मोती अलग हो जाते हैं. तो इसी तरह से स्टार्च बहुत छोटे छोटे मोतियों का बना हुआ है, और सलाइवरी अमाइलेज एक कैंची है जो उसके बॉन्ड्स को तोड़ती है और ग्लूकोज बनाती जाती है. इसका क्या मतलब है बेटा कि जब हम चेन तोड़ते हैं तो मोती ही तो अलग हुए. इसका क्या मतलब है? स्टार्च किसका बना हुआ है? टेंथ बी किसका बना हुआ है? ग्लूकोज. एवरीबडी किसका बना हुआ है? ग्लूकोज. बिल्कुल ठीक है. सो स्टार्च इज ए चेन ऑफ ग्लूकोज. स्टार्च इज ए कॉम्प्लेक्स फूड विच इज फॉर्म्ड ऑफ मेनी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स. एम आई राइट? एवरीबडी? ठीक है. सो अनदर इज, यू टेल मी, प्रोटीन्स. यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स हो सकते हैं. प्रोटीन्स को पेप्सिन भी तोड़ता है. ट्रिप्सिन. दो एंजाइम्स आपके सिलेबस में दो है. वैसे बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन्स को किसमें तोड़ते हैं? अमीनो एसिड्स. अमीनो एसिड्स. इट मींस दैट अ बीड इज, बीड क्या है? एक मोती किसका है? अमीनो एसिड है कि प्रोटीन है? एक मोती जो है वो क्या है? अमीनो एसिड है. और जब बहुत सारे अमीनो एसिड्स जुड़े तो क्या बना? प्रोटीन. तो पॉलीमर प्रोटीन है कि अमीनो एसिड है? पॉलीमर. पॉली प्रोटीन. पॉली मतलब बहुत ज्यादा. सो पॉलीमर कौन सा है? प्रोटीन है, अमीनो एसिड है. एवरीबडी? प्रोटीन है पॉलीमर. और मोनोमर, मोनो मीन्स सिंगल. ये इंग्लिश के वर्ड्स है बेटा. पॉली मीन्स बहुत ज्यादा, मोनो मतलब सिंगल. पता चलेगा? yes. तो यहाँ पे प्रोटीन्स और अमीनो एसिड्स में पॉलीमर कौन सा है? प्रोटीन. और अमीनो एसिड कौन सा है? मोनोमर्स है. इसमें स्टार्च क्या है पॉलीमर की मोनोमर? ग्लूकोज क्या है पॉलीमर की मोनोमर? मोनोमर. अब मुझे बताइए डाइजेशन क्या है? एनाबॉलिक की कैटाबॉलिक? कैटाबॉलिज्म. बिल्कुल ठीक है. और इसी तरह से अनदर इज फैट्स ब्रेक डाउन इंटू फैटी एसिड. सो फैट्स क्या है? पॉलीमर की मोनोमर. टेंथ ए, फैटी एसिड्स क्या है? मोनोमर की पॉलीमर? मोनोमर. वेरी गुड. इज इट क्लियर? कॉम्प्लेक्स फूड इज क्लियर? सिंपल फूड इज क्लियर? मोनोमर पॉलीमर क्लियर? एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म क्लियर? ओके. सो नाउ डाइजेशन. सो टेल मी बस आपने देखते रहना है कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है.
What is this? Small intestine, highly coiled. And here, the large intestine, it starts. Why it is large intestine? Acha, which is the largest part of the digestive system? Small intestine. It is the largest part. Even then it is called a small intestine. Why it is called a small intestine? Because it has small diameter. It is narrow. That's why it is small intestine. And you can see the width. ये इतनी है और ये इतनी है, इसलिए क्योंकि ये चौड़ी है, इसका ल्यूमन ज्यादा है. ल्यूमन होता है अंदर वाली जगह, ल्यूमन ज्यादा है. दैट्स वाई इट इज लार्ज इंटेस्टाइन एंड इट हैज नैरो ल्यूमन. दैट्स वाई इट इज स्मॉल इंटेस्टाइन. एंड यू नो हियर what is this? Yes, बोलिए बेटा, मुझे आवाज आ गई है बीच में से किसी की. This is बस बातें नहीं बेटा, बातें बिल्कुल नहीं, बातें आपस में नहीं. जब मैं पूछूंगी तब आपने बोलना है. Yes, now tell me. Yes. बेटा रोल नंबर 11 to 15 खड़े होके जो है, नहीं 11, 12, 13 माइक के पास आ जाओ जल्दी से, दोनों क्लासेस के. 11, 12, 13 माइक के पास आ जाओ जल्दी से, रो में आ जाओ. 10th A. 11, 12, 13, 10th B also, 11, 12, 13, आजाओ, आजाओ. चलिए, my question is, 11th A, roll number 11, sorry, 10th A, roll number 11, what is this part? ये कौन सा part आपको लगता है digestive system का? जोर से, mic के ऊपर जोर से बोलो. Oral cavity. और बेटा, It has enzyme. Which enzyme? Zor se, same student. Salivary amylase. Roll number 11, 10th hai. Aap apni seat pe jao. Other silent. 10th B. Roll number 11. Beta, mic pe zor se apne bolna hai. It opens into, ye jo hai, long tube. जिसकी थोड़ी सी अगर हम बात करें, लेट हिम स्पीक अदर साइलेंट. एक मिनट बस. नाउ टेल मी, यस, व्हिच इज दिस पार्ट बेटा? It is known as esophagus. Esophagus. Another part. Another name of esophagus is? Food pipe. Food pipe. Very good. Any enzyme in esophagus? Koi enzyme hota hai beta isme? Louder? No.
देयर इज नो एंजाइम, राइट? तो वो किस साइड है बेटा? ये वाली हमारी वेंट्रल सरफेस और ये पीछे वाला हमारा डोर्सल सरफेस. अगेन विच इज दिस सरफेस एवरीबडी? वेंट्रल. एंड दिस इज डोर्सल. ये पीछे वाला डोर्सल. आगे वाला ventral. अगेन आगे वाला वेंट्रल. पीछे वाला dorsal. अब यहां से आप मुझे ये बताइए, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को चला जाएगा ट्रेकिया और ये हमारा स्टमक वगैरह है. अच्छा, आपके गले में कुछ अड़ जाता है या आपको कई बार बर्प्स, बर्प्स मीन्स डकार नहीं आ रही है ना? मैं जब छोटी थी आपके जैसी थी तो मैं अपनी मम्मी को कहती थी जब कभी ज्यादा खा लेना कि हाय बर्प मेरा ना अड़ गया है, जरा ना कुछ करो. तो मेरी आपकी मम्मा क्या करेगी, आपके यहाँ पे कुछ करेगी कि पीछे हाथ फेरेगी? कौन सा सरफेस है, डोर्सल की वेंट्रल? डोर्सल. वाय? क्यों आपकी मम्मा, मम्मा को तो नहीं पता होगा बट मम्मी ना आपके पीछे कई बार खाना अड़ जाता है, कुछ होता है तो हम क्या करते हैं, पीछे से टैप करते हैं, यस और नो? क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कौन से सरफेस पे है, डोर्सल की वेंट्रल? डोर्सल सरफेस पे है. ये हमारा डोर्सल सरफेस है, पीछे वाली साइड. इसी के पैरेलल हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम चलता है. इज इट ओके? तो रोल नंबर 11 10th बी, यू गो टू योर सीट. थैंक यू बेटा. सो अनदर 10th ए, रोल नंबर 12. बेटा क्या नाम है आपका? ओके, नाउ टेल मी व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर बेटा? माइक पे बोलना है, मुझे मत देखो, माइक को देखो और उसको बोलो. हाँ, दिस इज स्टमक बेटा. इसमें कौन सा डाइजेस्टिव जूस होता है, उसको क्या बोलते हैं? नहीं, डाइजेस्टिव जूस इज गैस्ट्रिक जूस. गैस्ट्रिक जूस का पीएच बताओ बेटा, रोल नंबर 12 10th ए. इज इट एसिडिक की बेसिक? एसिडिक. वेरी गुड. आप बैठो बेटा. रोल नंबर 12 10th बी, क्या नाम है बेटा आपका? हर्ष. ओके ओके हर्ष. आई होप हर्ष ही एच से ही शुरू है. चलिए, एसिडिक. व्हाई इट इज एसिडिक? एसिडिक मीन्स इसमें कुछ एसिड होगा, यस और नो हर्ष? यस. विच एसिड इज प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस? HCl इज प्रेजेंट. वेरी गुड. एसिडिक ड्यू टू HCl. आपने पढ़ा होगा एसिड बेसिस में हर्ष, HCl इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड की वीक एसिड? इट इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड. वेरी गुड वेरी गुड. इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग. हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड? कभी, आप तो बच्चे हो, चलो आई डोंट विश कि भी आपको कभी एसिडिटी हो, कभी देखना, पूछना किसी को एसिडिटी हो जाए ना, ज्यादा एसिड बाहर आए, एसिड रिफ्लक्स हो तो गला जल जाता है, गला खराब हो जाता है, वहां से कट फट जाता है. बिकॉज इन अवर स्टमक देयर इज वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड. डू एनीबडी नोज व्हाट इज द पीएच ऑफ HCl इन अवर स्टमक? बेटा 2 होता है, इट्स पीएच इज 2. एंड आप सोच सकते हो कि 2 पीएच मींस कितना एसिडिक होगा, यस और नो? यस. हाँ जी. अब मुझे ये बताओ बेटा, जो 10th बी में सबसे लास्ट बेंच पे दो लड़के बैठे हैं मैम की राइट साइड में, ठीक है? हाँ जी, जरा खड़े होके मुझे बताओ बेटा, व्हाट इज द पीएच? जोर से बोलना ताकि मुझे आवाज सुनाई दे. 2 होता है. हाईली कंसेंट्रेटेड और नॉट? हाईली कंसेंट्रेटेड. और मुझे बताओ इसका फंक्शन क्या है, क्यों HCl सीक्रेट होता है? पेप्सिन को एक्टिवेट करता है. दैट्स वेरी गुड. सिट डाउन बेटा. वेरी गुड. सो HCl. अच्छा चलिए, पहले हम एक और, पहले इनसे हम पूछते कि गैस्ट्रिक जूस इज एसिडिक ड्यू टू HCl. वेरी गुड. देन टेल मी, यस, रोल नंबर 13 10th बी बेटा, विच एंजाइम्स? हर्ष आप बैठो बेटा. वेरी गुड. हाँ जी, क्या नाम है बेटा आपका 10th बी? हरसिमरन. हरसिमरन बेटा मुझे ये बताइए, कौन सा एंजाइम होता है गैस्ट्रिक जूस में?
इधर उधर से नहीं, जो आपके माइंड में है वो बोलो. विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस? पेप्सिन. अब तो बता दिया मैम ने भी और टीचर आपके फ्रेंड्स ने भी, सो इट्स पेप्सिन. बैठो बेटा, बैठो, आप बैठो. रोल नंबर 13, 10th ए. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एचसीएल इन द गैस्ट्रिक जूस इन स्टमक? यस, बोलो बोलो. 10th ए, रोल नंबर 13. Do you know that? To provide acidic medium. To provide acidic medium, but why acidic medium is required? Two functions are there. Anybody who knows? एक तो मुझे देखिए, 10th B ने आंसर बता दिया था. Any other? Anybody 10th A? कोई सी और स्टूडेंट को पता है? बैठो बेटा, आप बैठो. रोल नंबर 13, यू गो टू योर सीट. एनी स्टूडेंट? बेटा फर्स्ट इज HCl का. एज वन स्टूडेंट ऑफ 10th B हैज टोल्ड मी दैट इट हेल्प्स इन एक्टिवेशन. पेप्सिन सोया पड़ा होता है तो उसको जगाने के लिए HCl चाहिए. एंड ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है. राइट टू फंक्शंस ऑफ HCl. एंड सेकंड इज एस किलिंग ऑफ माइक्रोब्स इन फूड. HCl के ये दो फंक्शंस हैं. देखो बेटा, ये वाला किलिंग ऑफ माइक्रोब्स तो बहुत कोई कर सकता है, बहुत सारे प्रिवेंटिव मेजर्स है हमारी बॉडी में, उसकी चिंता नहीं है. बट पेप्सिन को एक्टिवेट करने के लिए सिर्फ HCl ही है. इज इट ओके? सो टेल मी अगेन, टेल मी व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ HCl. एवरीबडी, एक्टिवेशन ऑफ. एंड 9th बी, सेकेंड फंक्शन टू किल द माइक्रोब्स. टू फंक्शंस अगेन. 10th बी एक्टिवेशन ऑफ पेप्सिन एंड सेकेंड इज किलिंग ऑफ माइक्रोब्स. इज इट क्लियर? अच्छा जी, अब चलिए मुझे रोल नंबर 9. बोथ क्लासेस कम फॉरवर्ड. रोल नंबर 9. यस, सो फर्स्ट इज 10th बी. इज द फूड कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन स्टमक? नो, इट इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन, वेरी गुड. क्या नाम है बेटा आपका? हरमन. हरमन, बैठो बेटा. वेरी गुड. सो फूड इज, इट मींस द फूड कमिंग इन. इट मींस द फूड विच इज कमिंग फ्रॉम स्टमक इन टू स्मॉल इंटेस्टाइन. दिस पार्ट इज कॉल्ड एज ड्यूडिनम. डू यू नो? स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट्स यू डोंट नो? No. चलिए, ड्यूडिनम, जिजुनम, इलियम, तीन पार्ट्स होते हैं. नो प्रॉब्लम, छोड़ो आप. स्मॉल इंटेस्टाइन आपको पता होती है, ये स्टमक है. स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो गई. दिस पार्ट इज कॉल्ड एज ड्यूडिनम. बाकी जिजुनम, इलियम, ये तीन पार्ट्स होते हैं. नो मैटर्स. सो 10th ए, जो स्टमक से फूड ड्यूडिनम में एंटर कर रहा है, इज इट एसिडिक और एल्कलाइन? अगेन मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना. द फूड विच मूव्स फ्रॉम स्टमक इन टू ड्यूडिनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज एसिडिक और एल्कलाइन? दोबारा से जोर से माइक पर. इट इज एल्कलाइन. यू आर टेलिंग मी. इज इट कंप्लीटली डाइजेस्टेड और इज इट इनकम्प्लीटली डाइजेस्टेड?
Incompletely. Incompletely digested. Stomach में जो food था वो acidic था कि alkaline था बेटा? I'm acidic. Acidic था. तो जब वो duodenum में enter करेगा तो वो acidic होगा कि alkaline होगा? I'm alkaline. जब वो एंटर करेगा एसिडिक ही तो एंटर करेगा ना बेटा, उसके बाद अल्कलाइन हो जाएगा तो बात अलग है. जब वो एंटर करेगा तो क्या होगा? एसिडिक. एसिडिक एंड सेमी डाइजेस्टेड. इज इट ओके एवरीबॉडी? ठीक है बेटा. हाँ टेंथ है, नाम बताओ बेटा. I'm देव. देव ओके देव, बैठो बेटा. वेरी गुड. यस. Now the food entering from stomach into duodenum of small intestine is acidic food and it is called chyme. ये आपकी बेटा NCERT में दिया हुआ है. What is chyme? Chyme कह दो, chyme कह दो, one and the same thing. Have you heard? Have you read this word? तो ये आपकी NCERT में दिया हुआ है, लिख लेना. So what is chyme या chyme? It is acidic. Semi-digested food entering into small intestine. From stomach, again. That is called as chyme. Is it okay? Yes. ठीक है? तो chyme क्या है? Acidic की alkaline? Acidic है. और semi-digested की fully digested? Semi-digested. अच्छा जी, अब जल्दी से मुझे बताइए कि ओरल कैविटी में कौन सा एंजाइम था? अमाइलेज, जिसने स्टार्च को तोड़ा ग्लूकोस में. सो स्टार्च इज डाइजेस्टेड आल्सो नॉट फुली डाइजेस्टेड, क्योंकि मुंह में थोड़ा टाइम ही रहता है खाना, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके पूरा डाइजेस्ट होता है. स्टमक में एंजाइम कौन सा बेटा? पेप्सिन. कौन सा एंजाइम है? स्पीक लाउडली. पेप्सिन एंड इट डाइजेस्ट प्रोटीन्स इनटू, बट नॉट ऑल प्रोटीन्स. ठीक है, तो आउट ऑफ स्टार्चेस प्रोटीन्स, क्वेश्चन ये आ सकता है. देखिए क्वेश्चन इज आउट ऑफ स्टार्च प्रोटीन्स एंड फैट्स विच रिमेन कंप्लीटली अनडाइजेस्टेड इन चाइन. Yes, roll number 25, 10th B. Roll number 25, 10th B. जल्दी से भाग कर आओ माइक के पास. आंसर बताओ इसका. Fats. बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ना तो ओरल कैविटी में कोई लाइपेस आया ना स्टमक में कोई लाइपेस है. वेरी गुड. नाम बताओ अपना. ओके बेटा, नवप्रीत आई होप, है ना? नवप्रीत. दोबारा से. प्रभुप्रीत. ओके प्रभुप्रीत, वेरी गुड. बैठो बेटा. सो इट इज फैट्स. आंसर इज फैट्स. वेरी गुड. सो स्टार्च भी मुंह में डाइजेस्ट होता है कुछ, प्रोटीन्स स्टमक में, और जो कोई डाइजेस्ट नहीं होता स्टमक तक वो क्या है? फैट्स. इज इट ओके? नाउ इंटेस्टाइन में देयर आर प्रेजेंट इंटेस्टाइनल जूस. जल्दी से मैं करूंगी, टाइम थोड़ा सा है, थोड़ा सा फटाफट से.
इंटेस्टाइनल जूस में क्या प्रेजेंट है? इंटेस्टाइनल एंजाइम्स है. देन बाइल है एंड पेनक्रियाटिक जूस है. यस और नो? आप यहां से देख रहे हो कि ये है, यहां से स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होता है ये सारा. इसमें पेनक्रियास का भी जूस आ रहा है और ये लिवर का जूस बाइल भी आ रहा है और इंटेस्टाइनल एंजाइम्स भी आ रहे हैं. इज इट राइट? सो पेनक्रियास ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. द डक्ट फ्रॉम द लिवर ऑल्सो ओपन्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देयर इज इंटेस्टाइनल जूस. So, all this intestinal juice is acidic ki alkaline? Alkaline. Beta, intestinal juice is alkaline. Means, jo intestinal enzymes hai ya kuch hai, wo sab alkaline medium mein act karte hai. Ab jo khana yahan se aaya yahan par, wo kya tha? Acidic ki alkaline? Acidic. Iska matlab, uski acidity ko neutralize karna hai? Yes or no? Yes. और अगर एसिड्स को न्यूट्रलाइज करना हो तो उसमें क्या मिला दो? बेसिस मिला दें. yes. तो यहां पे बेसिस कौन से है? बेसिस कोई नाम बताओ बेस का. यस, एसिड्स एंड बेसिस आपने किए है. टेल मी, अगर हमने एसिड्स को न्यूट्रलाइज करना है तो हमें क्या डालना पड़ेगा? बेसिस डालने पड़ेंगे. yes. So bases, can you tell me few names of some bases? Sodium carbonate, sodium bicarbonate. These sodium chloride kya hai? Ye salt hai? Base to nahi hai ki base hai? No. Sodium hydroxide hai, ye base hai. But hamari body mein sodium hydroxide to bahut strong base hota hai. Theek hai? To hamari body mein main bases kaun se hai? सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट. यस और नो? यस. तो इसका मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सा रिएक्शन हो रहा है हमारी? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस. एसिड कहां से आ रहा है? चमक से. और बेसिस कहां से आ रही है? गॉल. इट्स नॉट गॉल ब्लैडर, वी कैन से इट्स फ्रॉम लिवर एंड पेनक्रियास दोनों से. Is it okay? So, in small intestine, which reaction is taking place? Neutralization reaction. The acid is coming from stomach and bases are coming from liver and pancreas to neutralize the acid. Because the intestinal enzymes, the pancreatic enzymes, they work in alkaline medium. Is it okay? Yes. ठीक है? तो अब मुझे जल्दी से पेनक्रियास का मेन एंजाइम कौन सा? ट्रिप्सिन एंड लाइपेस. रिमेंबर दैट पेनक्रियाटिक एंजाइम इज मेनली कौन सा है? जो जल्दी से बोलो. ट्रिप्सिन एंड लाइपेस. बेटा लाइपेस और कहीं भी नहीं है. क्वेश्चन आ जाता है इफ पेनक्रियास आर रिमूव then digestion of which is most affected? Fats. क्योंकि proteins तो कई जगह पे है, intestinal enzymes में भी है, stomach में भी है, but अगर pancreas नहीं हो तो fats digest नहीं होंगे. but एक और चीज आ जाती है कि अगर liver में damage हो जाए तब भी fats digest नहीं होते. क्यों? क्योंकि बाइल क्या करता है बेटा? बाइल लार्ज फैट्स को छोटे फैट ड्रॉपलेट्स में तोड़ता है. ठीक है, लास्ट पॉइंट फॉर द डे इट इज कि बाइल, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल? फर्स्ट इज न्यूट्रलाइजेशन, सेकंड इज इमल्सिफिकेशन,
हैव यू एवर हर्ड अबाउट इमल्सिफिकेशन? है ना, ये आपने कार्बन एंड कंपाउंड्स में भी पढ़ा होगा. व्हाट इज इमल्सिफिकेशन? दिस इज ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल टू स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स. इज इट ओके? सो फैट डाइजेशन is facilitated by bile and lipase enzyme from pancreatic juice. Is it okay? Yes. Yeah. Then what happens? Quickly, let me wind off this. Ki the food is digested, completely digested in small intestine. It is absorbed in small intestine, absorbed into blood in small intestine. Undigested food comes in the large intestine. Here, water is absorbed from the food and rest of the undigested food is changed into feces that comes out through anus. Yes or no? Yes. Jaldi se, fatafat se. Digestion kaun si process hai? Anabolism ki catabolism? Catabolism hai. Bilkul theek hai. Starch complex food ki simple food? अमीनो एसिड्स मोनोमर की पॉलीमर? मोनोमर. फैट्स मोनोमर की पॉलीमर? पॉलीमर. प्रोटीन्स कॉम्प्लेक्स फूड की सिंपल फूड? कॉम्प्लेक्स फूड. सो विच रिक्वायर्स डाइजेशन? सिंपल फूड की कॉम्प्लेक्स फूड? विच रिक्वायर्स डाइजेशन अगेन? कॉम्प्लेक्स फूड की सिंपल फूड? Complex food. What is the result of digestion? Complex food or simple food? Simple food. Where the digestion starts? Oral cavity ki small intestine? Dubara se, where the digestion starts? Oral cavity ki small intestine? Beta, digestion to muh mein hi shuru ho jati hai. Amylase to yahi par hai. Kahan pe shuru ho rahi hai digestion? Oral cavity continues in the stomach, continues and completed in small intestine. Kahan pe digestion shuru ho rahi hai? Oral cavity mein. Stomach mein digestion ho rahi hai? Yes. Aur phir small intestine mein complete ho rahi hai ke nahi? Yes, small intestine mein complete ho rahi hai. Is it okay? Aur uske baad simple food goes into blood and then it is used in various processes. ठीक है? Geeta ma'am, Jyoti ma'am, इनको assignments मिल गई है? Yes ma'am, yes sir. ठीक है, बेटा अब आपने क्या करना है? ये assignments घर जाके करनी है. अगली बार, आज तो हमने थोड़ा सा धीरे-धीरे करवाया. अगली बार हम थोड़ा सा और fast करेंगे, कुछ और काम. अगली बार we will try कि ये live processes हम आपको revise करा दें सारी. और आपने ये घर जाके रिवाइज करनी है और ये असाइनमेंट्स करनी है. आर यू रेडी? देन यू डू यू प्रॉमिस मी कि जब हम आएंगे नेक्स्ट टाइम तो ये पूरी असाइनमेंट करके आएंगे? ठीक है मैम, इनको एक बार कल फिर याद करवा देना, ज्योति मैम, गीता मैम, कि भी ये असाइनमेंट करके आए ताकि अगली बार हम ये डिस्कस कर लें. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच. डिड यू एंजॉय द क्लास? ठीक है बेटा, थैंक यू, थैंक्स टीचर्स, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय. बाय बेटा, बाय.